गुड मॉर्निंग। तो आज दिन है थर्सडे और तारीख है 6। तो आज हम लोग जलेबी का नाश्ता कर रहे हैं, कुछ भी बनाया नहीं। जलेबी दही हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो रिद्धि का तो फेवरेट है, तो रिद्धि इंजॉय कर रही हैं और मैं भी और टुक टुक भी। तो हम लोगों ने आज दी जलेबी और दही का ही नाश्ता सिंपल कर रहे हैं। तो इधर आ जाते हैं किचन में, तो प्रिंसी बना रही हैं लौकी की सब्जी और रोटी। थोड़ा रोटी भी बनेगा और आटे का पराठा भी बन रहा है, क्योंकि पापा ऑफिस जाते हैं तो पराठा सब्जी पैक करके लेके जाते हैं अपने साथ। और सिंपल दाल चावल यही, तो मैं तो रोटी खाती हूँ। तो मेरा लंच हो गया रेडी, लौकी की सब्जी, रोटी, दाल और ये है दही। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो शाम के 4:30 हो गए हैं, 4:30। तो सोच रहे थे आज आपको अपने गोरखपुर की एक रेसिपी है, मतलब जब आटा वगैरह अगर आप गूंथ के रखे हैं सुबह का और बच जाए और रोटी नहीं खाने का मन हो, तो उसका आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वो है, तो ये गोरखपुर में उसको गुलगुला नाम दिया जाता है, गुलगुले की रेसिपी। तो मेरी मम्मा उसको बनाएंगी, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि वो गुलगुला कैसे बनता है। बचे हुए आटे से हम एक मीठा रेसिपी गुलगुला बना करके आपको दिखाएंगे, तो मेरी मम्मा बनाएंगी। और प्रिंसी की रिपोर्ट आ गई, जो सरदर्द वाला मैंने बताया था अपनी छोटी सिस्टर का। तो एसपीएस चौहान ने सीटी स्कैन लिखा था, तो सीटी स्कैन में रिपोर्ट नॉर्मल आई है, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर बोल रहे थे हो सकता है ज्यादा वो पढ़ती हैं इस वजह से, और गर्मी के वजह से उनके सर में दर्द हो रहा है। तो जब रिपोर्ट नॉर्मल है तो कोई दवा वगैरह नहीं, एंड विटामिन की दवा वगैरह डॉक्टर ने ली है बस। तो यही सब है, बाकी गर्मी तो बहुत तेज पड़ रही है, लेकिन संडे से मेरे ख्याल से राहत मिली है थोड़ी बहुत, लेकिन दोपहर में तो और ज्यादा तेज धूप रहती है। तब फिर मैं आपके साथ चल रही हूँ गुलगुला की रेसिपी शेयर करने। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गई कि बहुत ही अच्छी खुशखबरी हो गई है कि पुलिस लाइन में समरसेबल गड़ रहा है, जो मैंने आपको बताया था, इस वजह से मैं खुश भी हूँ, थोड़ा अच्छा अच्छा लगने लगा है। तो फिर चलें गुलगुले की रेसिपी देखें कैसे बनता है। तो इधर ये आटा बच गया था सुबह का, तो हो गई है शाम। तो इस आटे में हम चीनी ऐड कर देंगे और फिर पानी डाल करके उसे अच्छे से सानेंगे, उसे अच्छे से मठेंगे, तो ये गुलगुला बन रहा है। ये मम्मा मेरी गुलगुला बना रही है, इसमें आप वनीला एसेंस आता है वो भी मिला सकते हैं, फ्लेवर अच्छा आने लगता है, टेस्ट भी। और इसमें थोड़े से बादाम काजू डालेंगे हम। तो ये बचा हुआ तेल था कल रात में फ्राई जो हुआ था, तो वही तेल हम यूज़ करेंगे। और इधर मम्मा आटे को अच्छे से मठेंगी, इसमें अच्छे से माठा जाता है आटे को ताकि गुलठी ना पड़ा रहे। उसके बाद तेल हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें हम छोटी छोटी लोई ऐसे तेल में डालेंगे। हाथ में पानी लगा लगा के हमें उठा उठा के डालना, नहीं तो हाथ में चिपकेगा। तो इस तरीके से ये मेरी मम्मा बना रही हैं। तो ये हम इसे फ्राई करेंगे, जब ये ब्राउन हो जाएगा इस तरीके से हल्का हल्का चारों तरफ से, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगता है, धीमी आँच में, धीमी तेज बीच में करते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा गुलगुला हो गया है फ्राई, यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप भी एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो देखिए हमारा हो गया है गुलगुला रेडी। तो इधर रिद्धि कर रही हैं गुलगुले को इंजॉय, बहुत पसंद आया था उनको ये, तो कह रही थी मम्मा एक बार और बनाना है इसको। तो इधर हो गई है शाम, शाम के 7:30 हो गए हैं, तो हम लोगों को मैंगो शेक पीने का मन कर रहा था, पापा भी आ गए थे, तो आज पापा थोड़ा लेट से आए थे। तो इधर मैंगो शेक प्रिंसी बना रही हैं।
आपको हमारा चैनल पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इधर ब्रूनो भी मैंगो शेक पी रहे हैं।